हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो आप एक बार ये सारे के सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखो, राइट, और इनका जो स्क्रीनशॉट है उसको बड़े आराम से लेना है आपने। आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं वो 5 से ज़्यादा हो जाएं, बट हम ट्राई ही कर सकते हैं, और जितने होंगे उतने करने हैं, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनको बिल्कुल ध्यान से आपने करना है, हर क्वेश्चन अलग अलग है, राइट। ध्यान से देखो, और मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन ये, राइट। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, एंड देन ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं। इनको ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, राइट, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक बार फिर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपने इनके स्क्रीनशॉट लेके पहले इनको कॉपी के ऊपर क्वेश्चंस को लिखना है, उसके बाद फिर आपने वीडियो जो है वो देखनी है, कि क्वेश्चन आपको पहले समझ आना चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम। चलो तो हम अब स्टार्ट करेंगे। तो ये जो उसमें था कि मिक्सिंग में ना, मिक्सिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, इसलिए तो मैंने, ठीक है, तो सिंपल जो है वो काम कर लेना। हमें समझ आना चाहिए, बाकी बात अलग है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमें समझ आना चाहिए, बाकी टेक्निक तो एक से एक आगे से आगे है, राइट। तो हमें अपना काम निकालना है, हमें क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बाकी बात करें। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, मैंने लिखा है यहीं पर कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या था क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बेटा सबसे पहले हमने देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास मिरर कौन सा है, क्वेश्चन में आपने ध्यान देखना कि हमारे पास जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। जो आपको चीज दी हुई है पहले वो लिखनी है। जैसे आपको देखो, पहले आप, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर पहले आपसे पूछता है, फिर आपको डायग्नोज करता है, फिर वो क्या करता है, आपको दवाई देता है। सेम थिंग हमने न्यूमेरिकल के साथ करना है, मींस यू आर द डॉक्टर और न्यूमेरिकल जो है वो आपका पेशेंट है। आपने ये प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकालना है, मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है। तो आपने करना कैसे है, इसमें कन्वेक्स मिरर आपको दिया हुआ है और उसने बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, यू, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। आप कन्वेक्स मिरर बनाओ, राइट, ये कन्वेक्स मिरर बना दिया आपने, और आपका ऑब्जेक्ट इससे 10 सेंटीमीटर के ऊपर है, ठीक है। थोड़ा सा आपने भी जब भी आपने मेरिकल सॉल्व करना है तो उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करनी है आपने। मिरर कौन सा हमारा, कन्वेक्स मिरर, राइट, और ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस हुआ है, उसमें यू दिया हुआ 10 से। अब ऑब्जेक्ट जो इस तरफ होता है तो इसलिए हम यू को क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर। आपको पता ना साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मैंने बताई थी कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने इसको क्या दिया, -10 सेंटीमीटर, क्लियर है। और हमें फोकल लेंथ भी दी हुई है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है। अब ध्यान से देखना, जब हम इसको ऐसे कंप्लीट करो, इसका रेडियस को वेचर जाएगा, अगर इसका आर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, सिंपल सी बात है,
राइट मैंने क्या बोला कि अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर इधर आएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ को है राइट क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो रे ऑफ लाइट इस तरफ को होगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो रे ऑफ लाइट इस तरफ को होगी, इसका मतलब पी से इस तरफ को सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, इस तरफ को सारे डिस्टेंस नेगेटिव। तो अगर हम कहें कि इसका सेंटर यहां पर है तो आर इस तरफ को होगा, तो आर क्या होगा पी से इस तरफ को, दैट इज पॉजिटिव राइट। तो अगर आर पॉजिटिव है तो आर इसके बराबर होता है 2f के बराबर, अगर आर पॉजिटिव है तो एफ भी क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर? तो एफ हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। हाफ डन। अब आपको ये दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, आपको एफ दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या फाइंड करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्लियर है? पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ये हमने फाइंड करना है। प्रॉब्लम समझ आ गई? सबसे पहला काम होता है कि प्रॉब्लम को समझना। न्यूमेरिकल से दुनिया डरती है, सारे डरते हैं कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल को आपने समझना है अच्छी तरह से, डॉक्टर की तरह उसको डायग्नोज करना है, फिर उसको रेमेडियल ट्रीटमेंट देना है। ठीक है? क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, ये पता चल गया हमने निकालना पोजीशन ऑफ एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन का मतलब क्या है, इमेज का मतलब भी निकालना हमने। अब हमारे पास मिरर है तो आपको पता है कि जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। यही मैंने बताया, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस, एफ इज फोकल लेंथ। क्या करना है हमने, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, बात खत्म हो गई। हमने निकालना क्या है, हमने बी निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब बी। जब पोजीशन निकल जाएगी नेचर उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अब 1/u, u कितना है बेटा -10, v कितना है निकालना है। देखो अब ये मत बोलना कि v को हम पहले साइन लेंगे, जो भी अननोन क्वांटिटी है इस बात को याद रखना है, किसी भी अननोन क्वांटिटी को आपने साइन नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिकली आगे जब आप उसका सोल्यूशन निकालोगे अपने आप अपीयर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन अननोन क्वांटिटी को किसी को भी आपने साइन जो है वो नहीं देना। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये -1/10 + 1/b = 1/f, f कितना बेटा 15 सेंटीमीटर। ठीक है? तो 1/b किसके बराबर आ गया, 1/15 + 1/10। तो 1/b इसको निकाल सकते हो, है ना, 10th क्लास के बच्चे हो, निकाल सकते हो। कितना आएगा इसका एलसीएम, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, अरे बोलो, हाँ 1/15 + 1/10 कितना आएगा एलसीएम, 25। ठीक है? तो कितना आ गया ये 150/25 के नियर हो रहा है। ये तो आता आपको एलसीएम सॉल्व, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, देख लो। हाँ अरे नहीं, इसका जो एलसीएम होता है वो हम क्या करते हैं ऐसे निकालते हैं, 15 नहीं आता आपको, 15 ऐसे ऐसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं। कितना आया इसका एलसीएम बोलो, सही है? चलो मैं इसका एलसीएम लेता हूं 30। ठीक है? इसका 30 एलसीएम आ गया, तो ये बन गया 2, ये बन गया 3, ऐसे ही है वो। क्लियर? तो आंसर कितना है 5/30, सो दिस इज 1/v, सो वी कितना आ गया, ये 5/30 मतलब 1/6, तो वी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ गया। अपने आप ही साइन हमारे पास क्या आ गया इसका, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब जो इमेज है दैट इज फॉर्म 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वी हमारे पास कितना है बेटा, दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर भी क्या है, दैट इज पॉजिटिव। ये सारी चीजें जो हम लिख रहे हैं यू भी सेंटीमीटर में, एफ भी सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर भी कितना सेंटीमीटर में आया, लेकिन वी जो है वो कितना आया +6 सेंटीमीटर। अगर वी हमारा +6 सेंटीमीटर है, +6 सेंटीमीटर वी इस तरफ को होगा, इसका मतलब यहां से 6 सेंटीमीटर इस तरफ को हमारे पास क्या होगी, कहीं ना कहीं क्या होगी, इमेज होगी राइट। तो अगर हमारी इमेज मिरर के इस तरफ बन रही है तो इमेज कौन सी होती है, आपको बताया कि वो जो इमेज होती है अगर बिहाइंड द मिरर बने तो वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। बिहाइंड द मिरर बन रही है राइट, ये मिटा लो। ओके, तो हमारे पास जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, ध्यान से सुनना, बिहाइंड द मिरर। कहां बन रही है, बिहाइंड
द मिरर, जब बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है तो वो क्या होगी? आपको पता कि बिहाइंड द मिरर इमेज जो है वो पहली बार वर्चुअल होती है और दूसरी बार वो क्या बनेगी? इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमारे पास क्या रहा कि वो इमेज बनेगी कैसे, छोटी होगी, बड़ी होगी, कैसी होगी, वो भी हमने देखना है। मतलब हमने एम निकाल दिया, मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चल जाएगा कि उसका साइज कितना है। तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होती है? माइनस वी अपॉन यू, राइट। वी आपने निकाला है कितना है? 6। तो इसका मतलब ये माइनस पहले ही था, फार्मूले में ही है, मिरर के फार्मूले में ही जो मैग्निफिकेशन है उसमें माइनस वी अपॉन यू है। और यू कितना है हमारे पास? दैट इज 10, माइनस 10 है, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया कितना बना? 0.6। ठीक है, तो आपकी जो मैग्निफिकेशन आई वो कितनी आई? 0.6। मतलब आपकी इमेज जो है 0.6 टाइम्स ऑब्जेक्ट से क्या है, मल्टीप्लाई कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इमेज है वो स्मॉलर इन साइज होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन 0.6 है। मैग्निफिकेशन पॉइंट का मतलब क्या है कि देखो आपका ऑब्जेक्ट कितना था, ऑब्जेक्ट जो है यू इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर। जो आपकी मैग्निफिकेशन आई वो कितनी आई? 0.6। 0.6 का मतलब क्या है कि आपकी इमेज जो है वो स्मॉलर इन साइज होगी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत कम हमारे पास मैग्निफिकेशन है, बहुत कम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है वो क्या है? स्मॉलर इन साइज है। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया, समझ आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि हमारे पास जो इसका आंसर आया वो आया कि वी हमारा 6 सेंटीमीटर है और बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल है, रेक्ट है और क्या है? स्मॉलर इन साइज। ये आपका आंसर है, स्मॉलर इन साइज। मेरी बात क्लियर होगी? क्लियर है, किसी भी चीज को आप अगर पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे वो चीज छोटी हो जाएगी। बहुत सारे कि एम 0.6 है तो इमेज कैसी? मान लो सपोज करो आपके पास 5 है, राइट, मान लो ऑब्जेक्ट का साइज 5 है। ध्यान से सुनना इसको, ऑब्जेक्ट का 5 साइज है तो हमने इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बना है? 5 × 6/10 कितना बना? 30/10 कितना रह गया? 3 रह गया। मतलब अगर किसी भी चीज को हम पॉइंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6, 0.7, 0.8, राइट, तो वो जो हमारे पास टर्म है वो क्या हो जाएगी? छोटी। देखो पहले कितना था साइज, कितना था? 5 सेंटीमीटर। मैंने उसको मैग्निफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 3 सेंटीमीटर बन गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास इमेज आएगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी? स्मॉलर इन साइज। गॉट इट? क्लियर है? तो यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मॉलर इन साइज नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो ये लो अब। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास जो इमेज है वो क्या है? स्मॉलर इन साइज। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास इमेज जो है स्मॉलर इन साइज आ गई, ये न्यूमेरिकल समझ आ गया आपको, क्लियर है? हमने इसको ज्यादा टाइम लगाया, 10 मिनट हो गए इसको काम करते हुए, 10 मिनट में मैंने 4 न्यूमेरिकल करवा लिए, है ना। चलो चले आगे, इसके बाद आ गया फोटो ले ली। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ना है फटाफट और उसको सोचना है क्या दिया हुआ है और हमने निकालना क्या है। ठीक है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, दिस इज योर वर्क। तो आपने ये काम अगर कर लिया तो इसका मतलब आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट मतलब न्यूमेरिकल। तो हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। हमारे पास मिरर कौन सा है? कन्वेक्स, सेकंड में, ये हमारा सेकंड का सोल्यूशन जो मैंने प्रॉब्लम दी है आपको, कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। और एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब बोला ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब साइज दिया हुआ, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना इसको, यू मत बोल देना, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, एंड प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अगर इन फ्रंट है, आपको पता है कि ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसके सामने आपने क्या रखा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो यू डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? माइनस। गॉट इट? आप क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसने दिया हुआ 30 सेंटीमीटर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 30। अब इसका आपको पता, मैंने पहले भी पहले उसमें बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या आएगा 30 पॉजिटिव आएगा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया है तो आपके पास आर किसके बराबर होता है 2f, सो दिस इंप्लाइज एफ किसके बराबर हो गया आर बाय 2, तो एफ किसके बराबर आ गया 30 बाय 2 मतलब 15 सेंटीमीटर। ये भी प्लस का यू निकल गया, आर हमें दिया हुआ है, हमने उससे एफ निकाला। साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें, साइन ऊपर नीचे हो गया तो काम खत्म। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज। पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये हमने चीजें निकालनी है किसकी, इमेज, आई एम ए जी ई। स्पेलिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है मेरी, हैंडराइटिंग समझ नहीं आती है, तो जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से देखना आपने, ठीक है। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, हमारे पास सारा मटेरियल है, सारा मटेरियल पड़ा है हमें, कन्वेक्स मिरर है, यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है, वी निकालना है। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब वी निकालना है, तो मिरर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, शाबाश वेरी गुड, निकालो। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। हमने निकालना क्या है, बी निकालना, तो बी साइड को रख देंगे, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, क्लियर। तो सिंपल सी बात, वी की वैल्यू आपने निकालनी है, एफ, एफ आपको दिया हुआ है कितना है एफ बेटा, दैट इज 15, यू कितना दिया हुआ है, दैट इज माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, यू विल गेट 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन वी कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन वी, सॉल्व करो इसको, कितना आया 1 अपॉन वी, ये आ गया 7 अपॉन 60 के लिए रूट आ गया, सॉल्व कर लेना इसको, 7 अपॉन 60, सो दिस इंप्लाइज वी आपके पास कितना आ गया 60 ओवर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। ये वी निकल गया आपका, जब आपका वी निकल गया तो आपको पता है कि आपका वी 60.7 है, 60.7 मतलब 8.5 सेंटीमीटर, पूरा लिख लेते हैं, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वी हमारे पास कितना आ गया 8.57 सेंटीमीटर, तो 8.5 सेंटीमीटर और हैवी क्या पॉजिटिव, इसका मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, क्योंकि आपकी इमेज जो है इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया। अगर आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है इसका मतलब आपकी जो इमेज बन रही है वो पोल से इस तरफ को है, ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ को है, इमेज इस तरफ को बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया कि जो इमेज का डिस्टेंस, आधा मेडिकल हमारा सॉल्व हो गया कि वी कितना आ गया 8 प्लस 8.57 सेंटीमीटर और बिहाइंड द मिरर, कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और यह भी पता है आपको कि कोई भी इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो क्या होगी, वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो नेचर क्या बन गई, वर्चुअल, देखो पोजीशन बाय चल गई, नेचर बाय चल गई, कौन सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये मैंने आपको टेबल बताया। अब रह गया साइज, तो साइज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। तो साइज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइज को निकालने के लिए हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, जैसे ही आपकी मैग्निफिकेशन निकल जाएगी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा, मैग्निफिकेशन होती है माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस वी अपॉन यू, वी आपने अभी निकाला है कितना निकाला है, अभी जल्दी बोलो, आपने निकाला है 60 अपॉन 7, वी कितना निकाला है 60 अपॉन 7, माइनस साइन यहां पर है, ओवर यू, यू कितना है आपके पास, यू कितना है, दैट इज माइनस 20, ये कट गया तो क्या बन गया 60 ओवर 7 इंटू 20, ये कट गया और ये रह गया 6 अपॉन 14, तो एम निकाल लो कितना आया 6.14, जब आप देख लो इतना ही आ रहा, हाँ बोलो। साइज ऑफ द इमेज जब आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो मैग्निफिकेशन से आपको साइज ऑफ इमेज पता चल जाएगा, ठीक है। ये कितना बना 3 ओवर 7,
तो m आपके पास 3/7 आ गया। अगर m आ गया तो साइज ऑफ इमेज पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? मैंने आपको एक और फार्मूला दिया, ये नोट कर लिया आपने, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पता चल गई। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी आई? 3/7। मैं यहां पर लिख दूंगा मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गई 3/7। तो ये बन गया m इज इक्वल टू 3/7। अब मैंने जब आपको फार्मूला बताया था, मैंने बताया था कि m इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द साइज ऑफ द इमेज एंड दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो किसके बराबर है? 3/7। यही बोला था मैंने कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आई वो 3/7 आई। किसके बराबर आई? साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही बना। तो हमारे पास इमेज का साइज कितना है? h2। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? h1। तो h1 की वैल्यू पुट कर दो। h1 आपको दिया हुआ है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। कितना बना? 15/7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लो, 15/7, ये आता है करना, 15/7 कितना आएगा? 2.14 सेंटीमीटर। दिस इज h। अब मुझे ये बताओ कि आपकी जो इमेज है उसका साइज कितना था? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब H1 दिया हुआ है आपको, H1 कितना था? 5 सेंटीमीटर, और H2 कितना है? 2.14। इसका मतलब इमेज का साइज क्या हो गया? रिड्यूस्ड। इमेज का साइज क्या हो गया? रिड्यूस्ड। क्लियर? समझ आ गई? कुछ भी नहीं था इसमें। क्या किया हमने? हमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, U दिया हुआ था, R दिया हुआ था, R से हमने F निकाल लिया। जब ये U और F हमारे पास आ गया तो V आ गया, जब V आ गया तो हमारे पास M आ गया, जब m की वैल्यू आ गई तो हमारे पास क्या आ गया? h2 आ गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप, घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या है, ये नोट कर लिया आपने? ओके गुड, चलो फिर आगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, दैट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। इसको मैं पहले पढ़ो, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कौन सा है? जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ना है। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने ज्यादा टाइम लगाया, सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा सा कम लगाया, इसके लिए मैंने और थोड़ा सा कम लगाना है, तो मैंने फास्ट करना है, तो इसलिए ध्यान से करना है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? h1 कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्लेस है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। अब मिरर कौन सा दिया हुआ बेटा? कनकेव मिरर। और कहां प्लेस किया हुआ है? दैट इज एट 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू कितना दिया हुआ है? 27 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर ऐसा होता है, ऐसा ही होता है कनकेव मिरर, राइट? क्लियर? यहां पर ऑब्जेक्ट रखा मतलब इसके फ्रंट के ऊपर है, तो इसलिए मैंने इसका क्या लिया? यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मोस्टली क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आप, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। और फोकल लेंथ कितनी दी है? 18 सेंटीमीटर। इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितना दी हुई है? 18 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा तो आर इधर आएगा, आर इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, अगर आर नेगेटिव है तो एफ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इस तरफ को है तो ये क्या होगा? आर, राइट? क्लियर? तो आर नेगेटिव है तो एफ भी क्या होगा? नेगेटिव। तो एफ हमारे पास कितना आ गया? -18 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि हमारी जो इमेज है वो क्या बने? बढ़िया बने। क्लियर है? शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। उसके बाद हमने साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज भी निकाला। पहले हमने क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब यू, फिर साइज और नेचर। यू निकालना है, साइज और नेचर किसका? ये साइज ऑफ नेचर, साइज एंड नेचर, ये है इमेज का डिस्टेंस, ये इमेज के बारे में। क्वेश्चन समझ आ गए? मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दी हुई है, हमने यू निकालना है, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज निकालना है। कंडीशन क्या है? कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो शार्प बनेगी और बहुत अच्छा उसका फोकस बनेगा, ठीक है? क्लियर है? तो इसमें क्या है हमारे पास? मिरर फार्मूला हम लगाएंगे,
तो इमेज जो है वो तभी दिखाई देगी अगर इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है कि नहीं? मतलब अगर आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो हमारे पास जो इमेज है वो बढ़िया बनेगी। ठीक है, तो क्या करना है बताओ, मिरर फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले। लगाओ मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला को एम एफ ले सकता हूं, तो हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी दैट इज इक्वल वन अपॉन एफ, राइट। यू आपको दिया हुआ है दैट इज -27, वी आपने निकालना है, निकालना है। यहां पर क्या दिया हुआ, यू नहीं, मैंने गलत लिख दिया, हमने क्या फाइंड करना है, दैट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी व्यू। यस, सही कहा मैंने। ये पहले उसने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट ऑफ साइज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वो उन्होंने पहले दिया हुआ है कि हमारे पास है। उसके बाद उसने फिर बोला कि आपने शार्प इमेज बनानी है, राइट, तो आपने ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है। अभी हमें क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है इसकी, 1/-18 वी निकाल, तो 1/-V कितना आ गया, -18 प्लस 1/27, तो इसको सॉल्व करो बेटा। ठीक है, तो एलसीएम को आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिख देता हूं कि वी हमारे पास कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर, वी जो आएगा वो -54 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, जो हमारी इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, कहां पर बन रही है, इमेज जो है दैट इज फॉर्म 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि हमारे पास इमेज है -54 है। माइनस का मतलब क्या है कि हमारी इमेज जो है वो इस तरफ बन रही है, कहीं कहां पर, पोल से इस तरफ को। अगर पोल से इस तरफ को बन रही है तभी नेगेटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव होती तो इसका मतलब इस तरफ को बननी थी, राइट। तो हमारे पास आंसर में ही वी कितना आया, -54 सेंटीमीटर। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि जो इमेज है वो इस तरफ को बन रही है और नेगेटिव है तभी इस तरफ को बन रही है। तो अगर इमेज आपकी इस तरफ को बन रही है तो इसका मतलब जो आपकी इमेज होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड, क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। टेबल मैंने आपको बताया होगा, इस तरफ को कनकेव मिरर के इस तरफ को जब इमेज बनेगी तो वो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि जो स्क्रीन होगी दैट शुड बी हेल्ड 54 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कैमरा। मतलब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि हमने U यहां पर निकाला, मैंने U जो बोला है ये U कौन सा है, ये मैंने बोला है कि स्क्रीन। आप इसको U नहीं बोलेंगे, हम इसको V बोलेंगे, हमने गलत लिखा हुआ है इसको, बता दिया मैंने। ठीक है कि ये मैंने इजीली आपको बता दिया, मैंने बताना नहीं था, ठीक है, क्योंकि यही गलती करते हैं, वो कहते हैं ना कि हम स्क्रीन, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जब ये क्वेश्चन मैं डालूंगा तो बच्चों ने इसको यू लिखना है और निकाल के फिर पूछेंगे कि यू तो दिया हुआ तो यू क्यों निकाल रहे। वो कह रहा है व्हाट डिस्टेंस स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, तो बेटा जो इमेज बनती है वो हमेशा स्क्रीन के ऊपर बनती है। मेरी बात समझ आई, क्लियर है? तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि हम यहां पर इसको यू लिख दें, यू तो हमें दिया हुआ है। तो उसने बोला क्या है हमारे पास कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज इज फॉर्म्ड। तो स्क्रीन रखेंगे तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट थोड़ा पड़ेगा, तो हम यू कैसे लिख सकते हैं इसको, जब हम स्क्रीन रखेंगे इसका मतलब उसके ऊपर इमेज बन रही है, तो वो स्क्रीन वहां पर रखनी चाहिए यहां पर इमेज हमारी बन रही है, तो हम स्क्रीन को कहां पर रखेंगे, -54 सेंटीमीटर, मतलब पोल से इस तरफ को 54 सेंटीमीटर के ऊपर हम क्या रखेंगे। सारे डाउट क्लियर हो गए, राइट। उसने हमें बोला था कि स्क्रीन कहां पर प्लेस करनी है, स्क्रीन कहां पर प्लेस करनी है, मतलब यहां पर हमारी इमेज बन रही है, तो इमेज हमारे पर कहां बन रही है ये, तो ये गलती कभी भी आपने दोहरानी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता चल गया। तो हम स्क्रीन को कहां पर रखेंगे, -54 सेंटीमीटर के। अब हमने क्या निकाला है, साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज ये क्लियर हो गया बेटा। चलो अब हम करेंगे साइज ऑफ द इमेज, तो जब हमने साइज ऑफ द नेचर पता चल गया, नेचर क्या थी इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड, अब हम करेंगे साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज, जब हम साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं हमें पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाती है, क्या फार्मूला मैग्निफिकेशन का इसमें, -V/U, राइट, -V/U, बस पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, सारा कुछ आपके पास है, एवरीथिंग इज देयर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m दैट इज इक्वल टू h2,
H2 upon H1, राइट, H2 over H1 कितना है 7, दैट इज इक्वल टू माइनस वी, माइनस वी, वी कितना निकाला हमने अभी, कितना निकाला था वी, -54, राइट, वी कितना निकाला था -54, तो ये बन गया -54 ओवर यू कितना है हमारे पास -27, सो एम किसके बराबर आ गया, एम तो निकालना ही है हमें, सीधा यहां से निकाल लो, H2 is equal to 54 over -27 into 7, देखो सही है कितना आ गया, हाँ 2 minus 14 centimeter, H2 हमारे पास कितना आ गया -14 centimeter, तो -14 centimeter का मतलब क्या है, क्या है हमारे पास कि जो साइज ऑफ इमेज है वो 14 सेंटीमीटर है, कितना था ऑब्जेक्ट, कितना था 7 था, इमेज कितनी हुई 14, और दूसरा वो क्या बोल रहा है, अब बोले हम कि हमारी इमेज जो है वो क्या है रियल और इनवर्टेड, क्योंकि एक तो इस तरफ को बन रही है मतलब रियल है, दूसरा हमारे पास जो H2 है वो नेगेटिव आ गया, मैंने क्या बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डिस्टेंस वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होते हैं नेगेटिव, तो हमें पता चला कि एक तो हमारी इमेज इस तरफ को मर रही है मतलब रियल है, दूसरा वो क्या बन रही है नेगेटिव साइन आ रहा है उसका, वो क्या है इन्वर्टेड है, तीसरा उसका साइज क्या हो गया 2 गुना हो गया, समझ आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास इमेज रियल है इन्वर्टेड है और इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से क्या हो गया 2 गुना हो गया, गॉट इट, समझ आ गई क्लियर, हाँ तो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूजिंग का मतलब क्या है कि जहां जहां पर कंफ्यूजन होती है वो मैं आपको पहले गलतियां करके बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं, पहले ही मैं आपको गलतियां करके बता रहा हूं, मैंने बोल दिया राइट, लेकिन आपने पूरा वीडियो देखना, मेरा ये नहीं है कि एक पॉइंट पे बहुत, मैंने बोला कि मैं वीडियोज जब बनाता हूं तो मैं उसमें बहुत सारी गलतियां करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि अगर मैं गलतियां नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, वो मुझे पूछेगा नेचुरली, अगर वहां पर प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछेगा, नहीं पूछेगा इसका मतलब कोई भी नहीं पढ़ रहा, और दूसरी बात आप बच्चों को मैं जब भी लेक्चर पोस्ट करता हूं तो मुझे थ्रू चैनल आपको क्या करना पड़ता है, अपना लिंक भेजना पड़ता है, ठीक है, जो जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उसने क्या करना है, अपना नाम अपनी क्लास और अपना फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर तो आ ही जाएगा, मतलब नाम क्लास भी फोन नंबर आपने लिख देना, क्योंकि मेरे लिए वो इजी होता है वहां से क्लिक करके उठाना, नाम क्लास और फोन नंबर, ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सएप करना ताकि मैं आपका एक ग्रुप बनाता जाऊं और सारे बच्चे मेरे पास आ जाए, तो जैसे ही मैं कोई लेक्चर बनाऊं उसी टाइम मैं आपके ग्रुप में डाल दूं, ठीक है, तो जो जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है राइट, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर जिस चैनल के थ्रू आपको आ रहा है उनसे आप मेरा नंबर ले सकते हो, ठीक है, तो जैसे जैसे आपके मेरे पास मैसेज आते जाएंगे तो मैं आपका एक ग्रुप बनाऊंगा, तो उस ग्रुप में मैं आपको और बढ़िया बातें जब भी कोई बढ़िया बात मिलेगी तो उसी टाइम आपको क्या कर दूंगा पोस्ट कर दूंगा, ठीक है क्लियर है, तो ये जरूर आपने ध्यान रखना है राइट, तो जितने भी बच्चे हैं 50, 100, 150, 200, 300 जितने भी हैं उन सभी ने अपना नाम अपनी क्लास और अपना फोन नंबर जो आप यूज करते हो व्हाट्सएप वाला, ठीक है, तो आपने वो मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर के ऊपर, गॉट इट, चले आगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यस ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी हरिया हरिया हरिया, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड, अगर आपको नहीं समझ आ रहा बेटा वीडियोस बार बार देखो कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं होती वीडियोस, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन, मुझे लगता है कि 5 ही होंगे आज, बाकी आपके लिए 4th क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फटाफट करेंगे, कहता है ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, क्या दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है राइट, और एक 4.5 सेंटीमीटर नीडल प्लेस की हुई है 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, मतलब यू हमें दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, ये बात क्लियर हुई, अब क्या बोला है, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, मतलब वी निकालना है और एम निकालना, और कुछ निकालना, ठीक है, अब कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द इमेज
एज द नीडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर, ये तो पता ही है कि जैसे हम नीडल को अवे देख के जाएंगे उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पहले मिल गया। एंड में जो उसने पूछा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो हमारा जो साइज है, मैंने आपको बताया था एक बात, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो इमेज का साइज जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है, क्लियर। इन्फिनिटी के जाके ऊपर क्या हो जाएगा, वो पॉइंट साइज हो जाएगा। तो ये तो हो गया, बस इसमें हमने क्या निकालना है बताओ, अब हमने क्या निकालना है, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, बताओ कर सकते हो? यस, चले करोगे? चलो मेरे फॉर्मूला देखोगे, 1 upon u + 1 upon v दैट इज इक्वल 1 upon f, u आपको दिया हुआ है तो बन गया 1 upon -12 + 1 upon v, राइट। अब बताओ f कहां से निकालोगे, बोलो, आपने तो बोल दिया कि हम निकाल लेंगे, f दिया हुआ है, बोलो, और दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, दी हुई है 15 सेंटीमीटर, यस दी हुई है, ये नहीं हमने लिखी। तो फिर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, ऐसे बना लो इसको, तो इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, अगर आर इस तरफ को है तो इसका मिरर का कन्वेक्स मिरर रहेगा, कन्वेक्स मिरर है तो ऐसे बनेगा ये वाला, ये कन्वेक्स मिरर है तो इस तरफ को ऐसे बनाएंगे, इस तरफ को ऐसे बनाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, आर इस तरफ होगा तो इसका मतलब आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है तो एफ भी पॉजिटिव होगा, तो एफ हमें दिया हुआ डेट इज 15 सेंटीमीटर, एफ इज 15 सेंटीमीटर, तो एफ भी दिया हुआ है डेट इज +15, प्लस लगाना था यहाँ पे, तो ये बन गया +15। अब वी की वैल्यू निकाल लोगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 upon v डेट इज इक्वल टू 1 upon 15, ये माइनस वाला होता जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 6.67 सेंटीमीटर के नियर रूट आएगा, कर लोगे, ठीक है, 6.67 सेंटीमीटर के नियर रूट आएगा। तो मैग्निफिकेशन निकाल, मैग्निफिकेशन क्या होती है, दैट इज -v/u, राइट, माइनस वी मतलब -6.67, यू कितना है -12, ये कट गया, इसको भी सॉल्व कर लो, तो 6.67/12 ये नियर रूट आएगा आपके पास 0.55, तो मैग्निफिकेशन आपकी 0.55 आ गई, पॉइंट में आ गई, आगे भाई चलो। तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज क्या होगी, डेट विल डिमिनिश। मैं बताया था कि अगर आप इसकी बात कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट का साइज देते हो, यहां से आपको पता चल जाएगा कि m होता है h2/h1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, h2/h1, m कितना दिया हुआ है 0.55, तो यहां से अगर आप h2 की वैल्यू निकालोगे तो वो बनेगा 0.55 × h1 कितना है 4.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखना इसका साइज क्या जाएगा, कम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साइज से कितना है, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 4.5, राइट, तो h2 जब आपके पास आएगा वो इमेज का साइज होगा, देखना वो 4.5 सेंटीमीटर से भी क्या आ जाएगा कम, इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, तो बहुत डिमिनिश होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इससे कन्वेक्स मिरर से दूर लेके जाओगे आपकी जो इमेज है उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, गॉट इट, क्लियर, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब रह गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने फिफ्थ क्वेश्चन करवाने, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने खुद कर लेना, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा दूंगा, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए 5-10 मिनट में अगर हो गया तो ओके, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लेंस की डालूंगा, ठीक है। मिरर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ग्रुप बनाओ और आप मुझे अपना पहले व्हाट्सएप नंबर भेजो सारे के सारे, क्लास और व्हाट्सएप नंबर अपना नेम, ताकि मैं आपका ग्रुप बनाऊँ और उस ग्रुप में फिर हम डिस्कशन किया करेंगे, कोई प्रॉब्लम है उसमें मैं आपको भी अलाउ करूंगा कि आप भी क्वेश्चन भेजो उसमें, राइट, तो हम उसमें डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ हुआ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर सो दैट इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ थोड़ा टेढ़ा है, कहता कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर की 37, कनकेव मिरर दिया हुआ, कनकेव मिरर और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर ऐसे होता है, राइट, कनकेव मिरर ऐसे होता है, इसका मतलब अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो उसी इस तरफ को आएगा, सेंटर को इस तरफ को आएगा, सेंटर को इस तरफ को, मींस आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव मतलब एफ भी क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी पॉजिटिव। अब इसने हमें फोकल लेंथ ही दी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ, कहता फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट,
जो आपकी इमेज का साइज होगा वो 3 times साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ये उसने बोला है कि हमारे पास जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा, 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हमें मैग्निफिकेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3। लेकिन मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, राइट। तो कनकेव मिरर हमें दिया हुआ उसने, तो कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होती है ये बताओ मुझे। अगर आप कनकेव मिरर की बात करते हो तो कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, बताओ, पता है क्या होता है, एम, एम हमारे पास क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, यही होता है, राइट। तो एम हमारे पास क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, और दिया हमने क्या है, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन कितनी होती है, माइनस। कन्वेक्स में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, कनकेव में क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्लियर है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, एम दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, दिया क्या हुआ है, माइनस 3, माइनस माइनस कट गया तो वी कितना बन गया, वी अपॉन यू कितना बन गया, 3, सो वी इज इक्वल टू 3। ये भी हमारे पास आ गया, मतलब हमने वी भी निकाल लिया, वी इज इक्वल टू 3 यू दिया, एफ कितना दिया हमें, दैट इज 30 centimeters, दो चीजें हमें पास चली। अब मैं यहां पर एक बात और बतानी है कि इसमें केस 2 आएंगे, हमें उसने ये नहीं बोला कि हमारे पास जो इमेज है वो रियल है, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इनरेक्ट है, क्योंकि मैंने जब कनकेव मिरर आपको बताया था तो मैंने इसमें 2 cases आपको बताए थे कि नहीं, कि एक रियल और इन्वर्टेड वाला है और एक मैंने बताया था लास्ट में वर्चुअल इनरेक्ट वाला, याद है आपको, वर्चुअल इनरेक्ट भी बनती है। तो कनकेव मिरर के केस में हमें उसने बोल तो दिया कनकेव मिरर, लेकिन हमें कंफ्यूजन है कि उसमें रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। हमने ये देखना है कि हमारे पास इमेज रियल है या वर्चुअल है, लेकिन उसने हमें बताया नहीं, उसके अकॉर्डिंग तो हमें काम करना था, इसने बताया कुछ नहीं, तो हम अपने आप ही केस ले लेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट केस क्या लिया कि इफ द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, समझ आ गई, अगर हमारे पास इमेज क्या है, रियल एंड इनवर्टेड है, तब हमारे पास जो एम आएगा वो कितना आएगा, -3 आएगा। ये कौन सा केस है, रियल एंड इनवर्टेड, फर्स्ट केस, मेरी बात समझ आ गई। इसको ऐसा नहीं करना कि आपने सिंपल -3 लिख दिया कि मैंने बोल दिया कि कनकेव मिरर में हमारे पास नेगेटिव होगा, कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा, इस बात को याद रखना है, राइट। जो जो मैंने आपको पॉइंट सबसे पहले बताया उनको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको कंफ्यूज करूंगा कि यहां पर मैंने बोला कि कनकेव मिरर में -3 होता है और कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, यस सर, ये थोड़ा बात बनती है। अगर हमारे पास इमेज रियल है, अगर हमारे पास इमेज रियल है, ध्यान से सुना, हमें कैसे पता चला कि मैग्निफिकेशन एक्टिव है या पॉजिटिव है, ऐसे नहीं हाँ करनी है, ये देखो ध्यान से, हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ को है, सॉरी इमेज इस तरफ को बन रही है, व्हाट डज इट मीन, कि ऊपर वाला क्या होता है पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होता है नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन, अगर हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट हमारा वर्टिकली अपवर्ड है और इमेज हमारी नीचे की तरफ बन रही है, तब आपके पास मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव, नेचुरली। अगर आपका ऐसे ही है कि ऑब्जेक्ट भी ऐसा है और इमेज भी ऐसी है, मतलब अगर आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है तो आपकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इस बात को याद रखना है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बस ये याद रखना है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप दोनों इमेजेस, सॉरी अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव ही होंगी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है इमेज नीचे की तरफ है तो नेचुरली आपकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। तो इस बात को याद रखना है, यहां पर जो मैं -3 लगाया वो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि हमारे पास जो इमेज है, लेट जो इमेज है वो क्या होगी, इमेज भी रियल एंड इनवर्टेड, कंफ्यूजन सारी दूर होगी, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपकी इमेज रियल एंड इनवर्टेड है तो आपकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी, माइनस होगी, अगर आपकी इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है तो आपकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इरेक्ट इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और इनवर्टेड इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी,
ये बात क्लियर होगी। बस आपने वर्चुअल इरेक्ट याद रखना है कि सॉरी क्या बोलते हैं इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड है आपकी इमेज तो मैग्निफिकेशन क्या होगी उसकी नेगेटिव होगी, अगर आपकी इमेज इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी पॉजिटिव। बिल्कुल ध्यान से देखना आज वीडियो, ठीक है। बहुत सारी कंफ्यूजन मैंने बीच में डाल दी, न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होगा जब कंफ्यूजन जो हैं वो क्या करेगी आएगी और फिर दूर होगी, ठीक है। क्लियर है, वायरस की तरह है, जब हम अपनी बॉडी में वो वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, वैक्सीनेशन में क्या होता है पहले वो वायरस को इंजेक्ट करते हैं, उसी साथ ही उसका एंटीवायरस भी डाल देते हैं ताकि जैसे वायरस हो उसको मारने के लिए हमारी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए। सेम थिंग मैं यहां पर कर रहा हूं, वायरस भी डाल रहा हूं और एंटीवायरस भी बाद में डाल रहा हूं, ठीक है। क्लियर, ये बात क्लियर होगी। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि लेट द इमेज बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब ध्यान से सुनना, इस बार सारी कंफ्यूजन आपकी दूर है। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट केस क्या है, इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, फास्ट करना है, 5 मिनट में खत्म करना है। इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, अगर आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो हमारे पास m कितना आएगा, माइनस वी अपॉन यू दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है। -3 आ गया तो यहां से क्या होगा, ये कट गया तो v कितना बन गया 3u के बराबर आ गया। पहला केस क्लियर है, v इज इक्वल 3u, f कितना है दैट इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर, अब मेरा फॉर्मूला लगाओ, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, 1 upon u + 1 upon v दैट इज इक्वल टू 1 upon f, 1 upon v + 1 upon u + 1 upon f, तो हमने क्या निकालना है, यहां से u निकालना है, तो बन गया 1 upon u + v की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3u दैट इज इक्वल टू 1 upon f, कितना बेटा 30 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना आता है, एलसीएम लेना आता है, राइट। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कर लोगे वो, कर लोगे बेटा, बताओ एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है, हैं? ठीक है, ये -30 आना था यहाँ पे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो यू एलसीएम लेके सारा आपका सॉल्व हो जाएगा, तो यू जो है वो आपके पास नियर पुट आएगा -40 सेंटीमीटर, गॉट इट। निकालोगे, इसको सॉल्व करना है, ये ध्यान से देखो, माइनस अगर हम यहां पर नहीं निकालते हैं तो हमारा आंसर नहीं निकलना था, तो यू हमारे पास कितना आ गया -40 सेंटीमीटर। अगर यू -40 सेंटीमीटर है तो वी किसके बराबर आएगा, वी इज इक्वल टू 3u, 3u का मतलब 3 × -40 मतलब -120 सेंटीमीटर, वी भी निकल गया यू भी निकल गया, वी निकल गया यू निकल गया, इसका मतलब जो इमेज है डेट विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस का मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट में बने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, क्लियर होगी। तो इमेज कहां पर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये बात क्लियर, इमेज आपकी बन गई फ्रंट ऑफ द मिरर बन गई। उसके बाद नेक्स्ट, इफ द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इफ द, ये नोट कर लिया आपने, हाँ चलो। अब हमारे पास इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, इफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, मैंने बताया था पहले कि इरेक्ट इमेज के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होगी पॉजिटिव, तो एम लिखो -v/u That is equal to 3. Clear? तो यहां पर v किसके बराबर आ गए, -3 निकल गया, v -3u, f कितना है +30, ठीक है, f कितना आ गया +30। पहले हमने कनकेव मिरर बोला था, कन्वेक्स मिरर बोला था, तो जब हमने कनकेव मिरर बोला था तो f फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव कैसे आ गई, बताओ कैसे आ गई, कैसे आ गई, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला कि मैं सही जो है वो आपको करवाता जाऊंगा, मैंने बीच में कंफ्यूजन सारी आपको डाली हुई है, यहां पर एफ कैसे आई ये मुझे बता दो, आप यस सर यस सर बोल रहे हो, किसी का मैसेज नहीं आया, हाँ ये जो हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में आर जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है, तो अगर आर नेगेटिव है तो एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस बात को याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट हुई, कंफ्यूजन दूर भी मैंने की, यही बातें सारी की सारी सारी गलतियां करते हैं। आज मैंने पूरा जो आपको ये दिया हुआ है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन उसी गलती को मैंने निकाला भी हुआ है,
ठीक है। तो इसलिए ध्यान से करना कि हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के केस में आर क्या होता है इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब आर इज नेगेटिव, अगर आर नेगेटिव है तो एफ क्या होगा, क्या होगा एफ क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए एफ क्या होगा नेगेटिव। तो यहां पर भी हमने क्या पुट करा, अब वन पॉन यू प्लस वन पॉन बी दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, निकाल लोगे यहां से, यहां वैल्यू सारी आपके पास है, तो ये बन गया 1 upon u plus 1 upon b कीजिएगा माइनस 3u, 1 upon f कीजिएगा माइनस 30, इसको निकालो और यहां से u की वैल्यू निकालो, राइट, ये u आपके पास आएगा माइनस 20 सेंटीमीटर, राइट, तो u आपके पास कितना आ गया माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर, और v कितना आ गया, फिर v कितना आया, v इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 20 मतलब 60 सेंटीमीटर। अब वी 60 सेंटीमीटर आ गया, देखो 60 सेंटीमीटर वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस 3 इंटू, तो प्लस 60 का मतलब क्या है कि आपकी इमेज इस तरफ को बन रही है और आपकी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और बिहाइंड द मिरर आपको पता है कि क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सही हो गया। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि जो मैंने आपको न्यूमेरिकल आज करवाए उसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं, मुझे सारा कुछ पता कि मैंने कहां पर गलती की है, क्या किया, इसलिए की है ताकि जब आपको मैं क्वेश्चन दूं तो आप सोचो, आपके दिमाग के ऊपर लोड पड़े कि ये सब क्या कर रही है, ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है, उसके आगे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ हमने क्या किया है, बहुत सारी गलतियां हैं और सारी गलतियां जो है उसको नोट करनी है, जो गलतियां मैंने की है मैंने उनको क्या किया हुआ है, उनका सलूशन भी आपको दिया, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो मैंने की हुई हैं लेकिन मैंने आपको बताई नहीं, तो आपने वो मुझे बतानी है, राइट, उससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये काम सही किया या गलत किया, ठीक है, ओके। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा करना है, कोई फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताना है, और 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, 5 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, जो जो गलतियां मैंने की हैं वो आप करोगे घर में जरूर करोगे, ये हमेशा गलती होती है r = f वाली, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आप f जो है वो आगे आ गया, ये पॉजिटिव है, राइट, क्लियर है, बहुत सारी गलतियां जितने भी मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ उसमें ये गलतियां बाद में क्या होता है सर हम भूल गए, ठीक है, मैंने पहले ही कर दिया, और मैं जब आपको बता रहा था तो आपके माइंड के ऊपर वो लोड पड़ रहा होगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपके मन में डाउट आएगा, उस टाइम डाउट आएगा, लेकिन आपने चुपचाप वीडियो देखते रहना है, उसके बाद देखना कि अगर वो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करता हूं ठीक है, अदरवाइज आपने मुझे मैसेज भेजा, हैव अ नाइस डे।